Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good. Welcome to your online computer class. Students, जैसे कि आपको पता है कि हमने यूनिट 5 से स्टार्ट लिया था और प्रीवियस क्लास में हमने फोल्डर तक पढ़ा था, पेज 30. नाउ वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट पेज, दैट इज 31, एंड आवर टुडे टॉपिक इज ड्राइव्स. So let's start with our today class. So basically students, drives होता क्या है? Drives जो है ये एक computer component है और इसमें हम अपना data store करते हैं. वो storage areas जिसमें हम अपना data store करते हैं, उन सब areas को drives कहा जाता है. ठीक है? A storage area in any storage device is known as drive. यानी वो सारे एरियाज जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं उनको ड्राइव कहा जाता है कंप्यूटर में. ठीक है? किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस में जहाँ भी हमारा डेटा स्टोर होता है उसको ड्राइव्स कहा जाता है. ठीक है? ड्राइव्स आर नेम्ड बाय अ लेटर फॉलोड बाय अ कॉलन सच एज सी. और ड्राइव्स हमेशा किसी एक लेटर से उसको नाम दिया होता है, जैसे सी. The storage device can be a floppy disk, a CD, DVD, a hard disk and a USB flash memory. Storage device floppy disk भी हो सकती है, CD, DVD भी हो सकती है, hard disk भी हो सकती है and USB flash memory भी हो सकती है. ये सारे areas जो है इसमें हम data store कर सकते हैं और store करते हैं. ठीक है? इसमें क्या क्या है? Floppy disk, CD या DVD, hard disk and a USB flash memory. Double click the computer icon on the desktop. जब आप computer turn on करते हैं तो आपके desktop पे बहुत सारे icon आ जाते हैं. उसमें जो computer icon होता है, जब आप उस पर double click करते हैं तो ये window appear हो जाती है. ठीक है? The computer window appears. Then आपकी computer पे ये window appear हो जाती है और इसमें आपको ये सारे स्टोरेज एरियाज नज़र आ रहे हैं, इसको ड्राइव्स कहा जाता है. इसमें क्या है? लोकल डिस्क जिसको नाम दिया गया है सी, दूसरा लोकल डिस्क इसको डी नाम दिया गया है और इन इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव्स. ठीक है? दूसरा है डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज, जिससे हम डेटा रिमूव भी कर सकते हैं. यहाँ से हम डेटा रिमूव नहीं कर सकते, ये नॉन रिमूवेबल स्टोरेज है. यहाँ से हम कर सकते हैं. इसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है और इसको डीवीडी. ठीक है? ये रिमूवेबल स्टोरेज है और ये ऊपर नॉन रिमूवेबल स्टोरेज है. Using this window, we can access and get information about our disk drives and other hardware connected to the computer. जब हम ये window open करते हैं तो इससे हम इन सब की information तक पहुँच सकते हैं. इस window को open करके हमारी disk drives तक रसाई होती है. ठीक है? और जब भी हम अपना डेटा स्टोर करते हैं उससे पहले हम इस विंडो को ओपन करते हैं और फिर किसी भी स्टोरेज एरिया में हम अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं. ठीक है? आई होप स्टूडेंट्स, आपको ड्राइव्स की समझ आ गई होगी. ड्राइव्स जो है वो किसी भी स्टोरेज एरियाज में, स्टोरेज डिवाइसेस में जो स्टोरेज एरिया होता है उसको ड्राइव कहा जाता है, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है? नाउ टर्न द पेज. दूसरा टॉपिक हमारे पास है विंडोज एक्सप्लोरर. विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर जो है ये फाइल मैनेजर होता है, जिसमें हम अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है? विंडोज एक्सप्लोरर इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. विंडो एक्सप्लोरर एक प्रोग्राम है जिसमें हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करते हैं. वी कैन व्यू, रीनेम, मूव, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडो एक्सप्लोरर. यानी हम फाइल एंड फोल्डर्स को किस तरह मैनेज कर सकते हैं? अगर हमें
अपने फोल्डर्स और फाइल्स को किसी एक स्टोरेज एरिया से मूव करके दूसरे स्टोरेज एरिया में मूव करना हो तो हम वहाँ से मूव कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा फोल्डर्स या हमारा फाइल्स मुख्तलिफ स्टोरेज एरियाज़ में स्टोर हो तो हम कॉपी भी कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना हो हम डिलीट भी कर सकते हैं। विंडो एक्सप्लोरर में हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको रिनेम भी कर सकते हैं, यानी अगर हमने कोई नाम दिया होता है दोबारा हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। विंडो एक्सप्लोरर जो है ये इसका ओल्ड नेम है, अभी इसको फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर को हम ओपन कैसे कर सकते हैं? जब हम अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तो नीचे टास्क बार में इस तरह का आइकन बना होता है, जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह की विंडो हमारे पास अपेयर होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास फोल्डर्स एंड फाइल्स मौजूद होते हैं, जिस तरह वीडियोस, पिक्चर्स, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स। इसमें हम इस तरह मुख्तलिफ फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। द विंडोज़ एक्सप्लोरर स्क्रीन इज़ डिवाइडेड इंटू टू पेन्स। जो विंडो एक्सप्लोरर की स्क्रीन होती है वो इस तरह टू पेन्स में डिवाइड होती है, जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया गया है। द लेफ्ट पैन डिस्प्लेज ड्राइव्स एंड फोल्डर्स। लेफ्ट साइड पे आपको ड्राइव्स एंड फोल्डर्स शो होते हैं। द राइट पैन डिस्प्लेज फाइल एंड फोल्डर्स इन करेंट फोल्डर। और राइट पैन में आपको क्या शो होता है कि आपके जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो किस फोल्डर में अवेलेबल है वो आपको शो होता है, ठीक है। यू कैन क्लिक एनी फोल्डर इन द लेफ्ट पैन टू ओपन इट। आप लेफ्ट पैन में किसी भी फोल्डर को क्लिक करके उसको वहीं से ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको राइट साइड पे फोल्डर ओपन करना हो देन आपको उस पर डबल क्लिक करना होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नाउ आपको प्रैक्टिकली इसको घर में करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।